राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। इसराइल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजरियाह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकोल्याह था जो यरूशलेम की थी, जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसे ही वह भी करता था। तो भी उच्च स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी देश के लोगों का न्याय करता था। अजरियाह के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे नहीं है? निदान अजरियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजरियाह के 38वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकरियाह इसराइल पर शोमरोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरियाह के और काम इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यूं ही यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने एहू से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इसराइल की गद्दी पर बैठती जाएगी, और वैसा ही हुआ। यहूदा का राजा उज्जियाह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोमरोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिरसा से शोमरोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वही मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के और काम और उसके राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिरसा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सहियों ने उसके लिए फाटक न खोले थे, इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थी उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजरियाह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इसराइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शोमरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। अश्शूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 की कर चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अश्शूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इसराइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अश्शूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए, वे सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकहयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजरियाह के
50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकह्याह शोमरुन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके शोमरून के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकह्याह के और सब काम जो उसने किए वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजरिया के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात जैसे पाप नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप करवाया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इसराइल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिगलत प्लीसलेसेर ने आकर इयोन के अबेल मेत माका, याहनोह, केदेश और हासोर नाम नगरों को और गिलाद और गालिल बरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अश्शूर को ले गया। उज्जियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकह के 2वें वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था। वही सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी उच्च स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा आराम के राजा रसिन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा।